दोस्तों, काफ़ी बार ऐसा होता है म्यूज़िक डायरेक्टर जैसा चाहते हैं उस तरह से गाना बन नहीं पाता। कभी कभार मुश्किल गीत एक टेक में हो जाते हैं, कभी कभार जो गीत सुनने में बहुत आसान लगते हैं उसके लिए कई सारे टेक लगते हैं। मगर किशोर कुमार एक ऐसे टैलेंटेड सिंगर थे, वे कुछ टेक में ही गीत गाते थे। उनके बहुत सारे किस्से मशहूर है कि उन्होंने काफ़ी गीत एक ही टेक में गाए थे। पिया का घर इस फिल्म के लिए किशोर कुमार जी गीत गाने वाले थे और इस गीत का लिरिक्स लिखा था आनंद बख्शी जी ने। ये गाना बहुत ही प्यारा था। ग्रेट बासु चटर्जी इस फिल्म के डायरेक्टर थे और उन्होंने ही इस फिल्म की स्टोरी भी लिखी थी और उन्होंने आनंद बख्शी जी को इसकी सिचुएशन समझाई और आनंद बख्शी जी ने इस फिल्म के लिए गीत लिखा और वो गीत था इस जीवन का यही है, यही है। तो इस गीत के रिहर्सल के लिए किशोर कुमार जी स्टूडियो पहुंचे और किशोर कुमार इस गीत की रिहर्सल करने लगे। हर टेक के बाद लक्ष्मीकांत यह कहते वो बात नहीं आ रही है जैसा गीत वे चाहते हैं और फिर गाने की रिहर्सल और एक बार होती थी। तकरीबन इस गीत की 12 रिहर्सल हो गए, फिर भी इस गीत का जो आउटपुट मिल रहा था उस पे लक्ष्मीकांत और प्यारेलाल कतई खुश नहीं थे। उन्हें जो चाहिए था वो नहीं मिल रहा था। बाद में थोड़ा ब्रेक लिया गया और लक्ष्मीकांत जी ने एक चाय मंगाया। किशोर कुमार रिहर्सल करके थोड़ा थक गए थे और वहीं पे वे टेबल पे बैठे थे। उन्होंने एक हाथ अपने गाल पे रखा और वहीं टेबल पे गाना शुरू किया और सॉफ्ट वॉइस में किशोर कुमार ये गाना गाने लगे। तभी लक्ष्मीकांत जी बड़े सरप्राइजिंगली किशोर कुमार को देख रहे थे और उन्हें ये सॉफ्ट वॉइस पसंद आया और उन्होंने किशोर कुमार जी को इसी सॉफ्ट पिच में गीत गाने के लिए कहा। तो किशोर कुमार ने वहीं बैठे बैठे एक रिहर्सल की और पूरा गीत सॉफ्ट वॉइस में गाया। तो सॉफ्ट वॉइस में जो किशोर कुमार जी गा रहे थे वो तो लक्ष्मीकांत और प्यारेलाल इन दोनों को तो पसंद आया ही था, मगर जितने भी म्यूजिशियन वहाँ मौजूद थे सभी ने कहा कि यह सॉफ्ट वॉइस इस गीत के लिए बहुत ही फिट बैठता है और जिस तरह से लिरिसिस्ट ने इसे लिखा है उसको 100% जस्टिस मिलता है। और इसके बाद लक्ष्मीकांत और प्यारेलाल बहुत ही खुश हो गए और उन्होंने कहा चलो फाइनल टेक ले लेते हैं। और लक्ष्मीकांत जी किशोर कुमार जी को कह रहे थे दादा ऐसा ही गाओ, ऐसा ही गाओ। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि किशोर कुमार कितने मजाकी नेचर के थे। जैसे ही लक्ष्मीकांत जी ने कहा कि ऐसा ही गाओ, ऐसा ही गाओ, तो किशोर कुमार जी ने जो हाथ गाल पे रखा था वो हाथ हटाया नहीं और उसी पोजीशन में वे माइक्रोफोन तक पहुंचे और बाद में उन्होंने अपना दूसरा हाथ भी अपने गाल पे रखा। दोनों हाथ गाल पे रख के वो फीलिंग महसूस करके गा रहे थे। तो दोस्तों, किशोर कुमार तो बहुत ही मजाकी थे, मगर उन्होंने वो एटमॉस्फेयर क्रिएट करने के लिए और वो फील लाने के लिए अपने दोनों हाथ गाल पे रखे थे। इसी वजह से किशोर कुमार इतना अच्छा गाना गा सके। तो किशोर कुमार जानते थे जो मूड उन्होंने क्रिएट किया था, जो फील उन्होंने क्रिएट किया था, उसे ब्रेक नहीं करना चाहते थे। इसलिए किशोर कुमार ने अपने दोनों हाथ गाल पे रखे और वे गाने लगे। स्टूडियो में जितने भी लोग थे, म्यूजिशियन थे, सब लोग देख के हंसने लगे, मगर सबको पता था किशोर कुमार इस प्रकार की हरकतें हमेशा ही करते थे। जैसे गाना रिकॉर्ड हुआ तो सब लोग तालियां बजा रहे थे। किशोर कुमार ने इतना बेहतरीन गाया था, अपना पूरा दिल दिमाग इस गाने के पीछे लगाया था और बेहतरीन गाना किशोर कुमार जी ने गाया था। जैसे ही रिकॉर्डिंग ख़त्म हुई तो सब लोग ज़ोर से तालियां बजाने लगे क्योंकि सभी को मालूम था ये गाना बड़ा ही हिट होने वाला था और एक बेहतरीन गीत का निर्माण हो चुका था। जो सॉफ्ट वॉइस किशोर कुमार जी ने इस गीत के लिए यूज़ किया था वो कमाल का वॉइस था और ये गाना बड़ा ही पॉपुलर हुआ। जैसे ही फिल्म रिलीज हुई ये गाना सुपर डुपर हिट हुआ और लोग इस गीत के दीवाने हुए। तो दोस्तों, लक्ष्मीकांत और प्यारेलाल इन दोनों को मानना पड़ेगा, जब तक उन्हें ये गीत पसंद नहीं आया तब तक वे रिटेक करते रहे और बाद में जब किशोर कुमार अपने रंग में आ गए तो एक बेहतरीन गीत का निर्माण हुआ। तो पिया का घर ये फिल्म उस दौरान बड़ी सुपरहिट हो गई थी तो इस गीत का कंट्रीब्यूशन बड़ा अनमोल था। मगर इस गीत का सबसे बड़ा फायदा हुआ था अनिल धवन जी को। अनिल धवन जी इस फिल्म की वजह से और इस गीत की वजह से रातों रात स्टार बन गए थे।
और इस तरह से किशोर कुमार जी ने न जाने कितने कलाकारों को स्टार बनाया था। तो दोस्तों, एक किस्सा था ये जीवन है, इस जीवन का यही है रंग रूप, इस गीत का। दोस्तों, मैं फिर लेके आऊँगा इस तरह के नए नए किस्से आप लोगों के लिए। अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।